भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। भुसावल शहर के खड़का रोड इलाके में रहने वाले शेख अयाज पिछले महीने अपने परिवार के साथ पुणे गए थे। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर शहर के कुछ लोगों ने शेख के घर का सारा सामान लूटकर पूरा घर तोड़ दिया। शेख अयाज की शिकायत पर बाजारपेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पूरी घटना यह है कि शहर के खड़का रोड इलाके के मोहम्मदी नगर निवासी 32 वर्षीय शेख अयाज शेख अयूब ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शेख अयाज उसकी सास को मई के पहले सप्ताह में पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो उन्हें देखने के लिए अपने परिवार के साथ गए हुए थे। तभी कोरोना महामारी की वजह से राज्य में सख्त लॉकडाउन के प्रतिबंध लगने की वजह से शेख अपने परिवार के साथ पुणे में फंसे हुए थे। इसी बीच 28 मई को सुबह करीब 10 बजे पड़ोसी फिरोज और रुखसाना शेख ने शेख अयाज को फोन पर अयाज के घर की तोड़फोड़ की जानकारी दी और बताया कि हबीब खान हमीद खान ने 8 से 10 मजदूरों की मदद से शेख अयाज के घर का सारा सामान जेवर और पैसे लेकर और घर की तोड़फोड़ की। तभी अयाज शेख ने भुसावल बाजारपेट पुलिस स्टेशन को जानकारी दी और पुलिस ने अयाज शेख की शिकायत पर हबीब खान और हमीद खान के खिलाफ धारा 44/21, 447, 448 और 427 के तहत मामला दर्ज किया है। शेख अयाज की शिकायत के मुताबिक इस मामले में उन्हें 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक दिलीप भागवत के मार्गदर्शन में कांस्टेबल जितेंद्र पाटिल द्वारा जाँच की जा रही है। 10 साल पहले हमने प्लाट लिए थे मोहम्मदी नगर में पीछे मन से और उसके बाद में हमारे पीछे ये हबीब खां और हमीद खान ने प्लाट लिया बक्खर। ये हमने रेडीमेड लिए थे मकान 3 रूम का। कितना स्क्वायर फुट था? ये 400 स्क्वायर फुट था। अच्छा। मल्लू बा की बहन से लिए थे हमने, रुखसाना बानो शेख आसिफ आरिफ। तो ये हमसे 1.5 साल के पीछे लगा था कि देख हम तुम मेरे को दे दे ये पला, ये जो मकान है तेरा दे दे, मेरे टावर में अड़चन दे रहा टावर बनाने के लिए। तो हमने मना करे भाई हम कहाँ जाएंगे, आपसे प्लॉट कौन मांग रहा था? ये हबीब खां और हमीद खां, वसीम खां इसका भाई है, वसीम खां एक और वसीम खां और हमीद खां ये मांग रहा था टावर बनाने के लिए। तो हमने बोले हम कहाँ जाएंगे, हमको वही इतना ही वो है सारा, बच्चे वही सामने रजत स्कूल में पढ़ते, अब आज वही सब सुविधा है हमारे को। तो जो हम 2-3 बार उन्होंने हमारे को दोष दिया, जितने में मांग रहा उतने में तेको देना पड़ेगा, हमने मना करे। फिर हम चलते हमारी मेरी सास का पुणे में इलाज चालू है घुटने का और हार्ट का। तो हम चले गए वहाँ देखने के लिए कि हमें ताला मार के घर को, तो समझ लो लॉकडाउन लग गया तो वहाँ अटक गए हम लोग। फिर परसों जुम्मे की 29 तारीख को फोन आया पड़ोसियों का, आस पड़ोस वालों का कि भैया तुम्हारा घर तोड़ डाले। बोले फोड़े भी नहीं, तोड़ डाले और रिक्शा लाके बोले ऑटो सारा पूरा सामान लेके चले गए, छेनी धन हथौड़ी ये सब लेकर आए। बोले 10-12 लोग तोड़ डाले और सामान इधर जो बकरी का वो बना था गोडाउन वो सब पतरे वतरे रिक्शा में भर के लेके चले गए। बोले सब घर में क्या क्या सामान था? कपाट थे, पलंग था, गाती थी, फ्रिज था, वॉशिंग मशीन थी, सीजर हुए तीन सीजर हुए ले सर इसका, ये तीनों बच्चों का तीन सीजर हुए। तो मैंने वॉशिंग मशीन दे ला के दिया था, तो मैंने उसको वॉशिंग मशीन दे ला के दिया वीडियो कॉल की, तो वॉशिंग मशीन फ्रीज भेज के हमारा सामान पूरा नया नया सामान पूरा शोकेस था, पलंग था, दो बेड था, हाँ ये सब लेके बच्चे को पढ़ने का टेबल था सब लेके चले गए। एक बर्तन नहीं छोड़े कि हम भीख मांग के बच्चों को खिलाए, ये हमने हमको ऑनलाइन करे हमने, हाँ ऑनलाइन करे। अभी आगे आपकी क्या मांग? अभी ये जो हमारा सामान गया सर उसकी भरपाई होना और ये जो हमारा जैसा मकान था वैसा बना के बच्चे कोरोना काल चल रहा हाथ जोड़ के गुजारी हाथ जोड़ के विनती करते हैं।